बात है दोस्तों, आपके अपने चैनल आप आइए इसमें। दोस्तों, हम लगातार आपके लिए विभिन्न प्रकार की सीरीज ला रहे हैं मित्रों। तो मित्रों, लगातार आपके क्वेश्चन आ रहे थे, लगातार आप ये पूछ रहे थे कि सर किस तरीके से तैयारी करें, सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सर कैसे हम यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। बहुत से विभिन्न प्रकार के आपके मन में क्वेश्चंस थे। दोस्तों, आज हम आपके सामने ला रहे हैं कनिष्क कटारिया, जो कि AIR 1 है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2018 के। उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, उनकी क्या बुक लिस्ट थी, उनके रेफरेंसेस क्या थे, और उन्होंने नोट्स वगैरह कैसे बनाए थे। ये जो पीपीटी है, ये हमने उनके अपने ब्लॉग से ली है और इसे हम आप आईएएस की टीम आपके लिए लाई है, ताकि आपके डाउट्स कनिष्क कटारिया के शब्दों में हम डिस्कस कर सकें, आप आईएएस डिस्कस कर सकें। तो आइए जानते हैं कनिष्क कटारिया की क्या स्ट्रेटेजी है। पर दोस्तों, उससे पहले हम आपके लिए लगातार इतनी इम्प्रोवाइज कंटेंट ला रहे हैं, तो दोस्तों आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही क्वालिटेटिव वीडियो। देखिए, यहाँ पे कनिष्क कटारिया की स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस हो रही है। जी प्रसन्ना सर आपको जो है पीपीटी आपके लिए करंट अफेयर्स की बना रहे हैं। तो मित्रों, लगातार देखिए हम आपके लिए कैसे कैसे कंटेंट आ रहे हैं। दोस्तों, आगे के बारे में तो आपको क्या करना है, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे। और हर वीडियो पे आपको लाइक शेयर और कमेंट करना है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के, क्योंकि हम वी आर गोइंग टू सीरी हैव लॉन्च हैव द सीरीज इन बाइलिंगुअल, वी आर लॉन्चिंग द सीरीज बाइलिंगुअली बाइलिंगुअली। तो दोस्तों, मैं आपको अपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि डेली हमारी एक सीरीज चल रही है, जिसका नाम है करंट अफेयर्स MCQ विथ एक्सप्लेनेशन। इसमें हम बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइव मिंट, हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सबके जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करते हैं। किसके लिए? यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। देखिए, हमारा मोटो ही है मेकिंग योर एग्जाम सिंप्लीफाइड। यूपीएससी को हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपके लिए आपके सामने लाएंगे मित्रों। तो इसके अलावा देखिए, हिंदी मीडियम का एकमात्र आप आईएएस एकमात्र ऐसा चैनल है जो बिजनेस स्टैंडर्ड, दैनिक जागरण, PIB, दैनिक जागरण, NBT, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता, इन सभी के जो है एडिटोरियल विशेष संपादकीय आपको डिस्कस करके देगा मित्रों। एकमात्र ऐसा चैनल है यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे सर्च मार लिए, इतने सारे अखबार आपको कोई डिस्कस करके देने वाला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप आईएएस है मित्रों। तो आप जो है मित्रों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हिंदी माध्यम के लिए विशेष प्रोग्राम है, तो हिंदी माध्यम के छात्र तो इन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि इसके बिना शायद यूपीएससी दूर लगेगा, और इतने अखबार आप नहीं पढ़ेंगे, पढ़ भी नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। तो आपको हम ये सब करा कराया दे रहे हैं मित्रों। यूपीएससी में देखिए, मार्केट में भंडार मिल जाएगा, मगर उस भंडार में से सार गर्भित पढ़ना क्या है, वो आपको हम ला के देते हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं कनिष्क कटारिया की क्या स्ट्रेटेजी थी। आपको AIR 1 लाना है और आपको बनना है आईएएस, आईपीएस, जो भी बनना है। तो मित्रों, इनकी अप्रोच क्या थी, देखिए तो इनके बेसिक अप्रोच जानते हैं हम, थोड़ा सा हाईलाइटर इसके लिए यूज़ करेंगे। देखिए मित्रों, ये कहते हैं, कनिष्क जी कहते हैं कि डू नॉट चेज ओवर रीडिंग मटेरियल। ये थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है, तो हम दूसरा पेन से ही काम चलाएंगे, इसमें हम साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। डू नॉट चेज ओवर द रीडिंग मटेरियल। देखिए, यह आप सबसे बड़ा ब्लंडर, आप क्या करते हैं कि हजारों किताबें आप मार्केट से उठा लाते हैं, मगर आप जो है एक किताब को 10 बार नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए, लिमिटेड रिसोर्स आपको रखने हैं, और एक बुक को 10 टाइम रिवाइज करना है, ना कि 10 बुक को एक बार, समझे? तो मित्रों, सबसे बड़ा क्या स्ट्रेटेजी है टॉपर की, एक बुक 10 टाइम, रादर 10 बुक 1 टाइम। तो एक बुक को पढ़िए, लगातार पढ़िए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि स्टे कॉन्फिडेंट इन योर मटेरियल जो आपके पास है, ठीक है। नहीं, मार्केट में 10 लोग आएंगे, कहेंगे ये किताब अच्छी नहीं है, वो किताब अच्छी नहीं है, पर आपको डटे रहना है कि आपकी किताब जो है वो सबसे बेस्ट है। अब हर आदमी का ये क्वेश्चन, हर एक छात्र का ये क्वेश्चन था कि नोट्स कैसे बनाने। तो देखिए मित्रों, इसके लिए जो है दोनों टाइप के, जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मिक्स आप नोट्स बना सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर है एवर नोट, वन नोट, बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो देखिए, और देखिए, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है मित्रों। ये कनिष्क जी भी कहते हैं कि जो है ये परफेक्ट कुछ नहीं होता। कनिष्क जी का साफ साफ कहना है कि परफेक्ट कुछ नहीं होता। तो परफेक्ट अगर कुछ है नहीं, तो परफेक्ट आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, आपको नोट्स इस हिसाब से नहीं बनाने कि आपको वो नोट्स बाद में बेचने हैं किसी को। आपको नोट्स ये बनाने हैं कि आपको समझ में आने चाहिए अपने नोट्स, बस। तो आप देखिए, आपको ये क्या एडवाइस करते हैं, ये कहते हैं कि आप जो है रिटन नोट्स बनाएं आफ्टर प्रिलिम्स, मतलब अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को ही पढ़ें, ठीक है। नहीं,
क्योंकि ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में भी हेल्प करेगा। आप अपने नोट्स जो हैं खुद बनाए लिख के, ये राइटिंग प्रैक्टिस भी करेगा। और राइटिंग टाइपिंग बाय वन सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव लर्निंग इन्फॉर्मेशन गेट्स रजिस्टर्ड इन द ब्रेन। देखिए ये अनएकेडमी पे भी बहुत से लोगों ने ये कहा है, रोमन सैनी लगातार ये कह रहे थे। तो देखिए ये क्या है, इनमें इसने कहा, इन्होंने कहा है कि राइटिंग और टाइपिंग, इससे क्या होता है, ब्रेन की सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। क्या होता है, हम लर्न कितने प्रकार से करते हैं, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। आप यहाँ पे अगर ये तीनों काम आप कर रहे हैं जो कि आप आईएएस की टीम आपके लिए कर रही है, आप लिख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और विजुअलाइजिंग, देखिए आप ये सारे काम एक साथ कर रहे हैं आप आईएएस की टीम के साथ, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जड़ से क्लियर होंगे और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेन से जाएंगे, मेन से आप इंटरव्यू जाएंगे, और इंटरव्यू से आप बनेंगे क्या आईएएस आईपीएस जो भी आपको बनना है। तो देखिए इसके बाद जानते हैं, इनका कहना है कि लास्ट रिविजन मिनट के जो नोट्स आपके पास होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स, और कीवर्ड्स में आपको लिखना है किस तरीके से कीवर्ड्स बनाने हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो आपके लिए देने वाला हूँ। तो टाइम, इन नोट्स को आपको जो है क्या करना होगा, टाइम देना होगा मित्रों, क्योंकि आप कीवर्ड्स में लिखेंगे। जैसे कि आप पैरा डिप्लोमेसी एक शब्द है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, पंचशील प्लस यूज़ कर रहे हैं, उसके आपने शॉर्ट नोट्स तो बना लिए, मगर आपको बाद में यही याद नहीं रहा कि पंचशील प्लस क्या है, गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, पैरा डिप्लोमेसी क्या है। तो मित्रों आपको ये बहुत मुश्किल पड़ने वाला है कि आप ये कैसे रिवाइज करें, समझ गए मित्रों। तो आपको क्या करना है, लगातार रिवाइज करना है, क्या, रीड, रिवाइज एंड सोर्सेज आपको लिमिटेड रखने हैं। तो देखिए रिवर्स लर्निंग करना है आपको, टेस्ट सीरीज से आपको वापस जाना है और उसके बाद अपने नोट्स अपडेट करने हैं, ताकि आपको ये पता चले कि आखिर रिलेवेंट क्या है। ये नहीं कि किताब उठाई और शुरू कर दिया पढ़ना पढ़ना पढ़ना, किताब यूपीएससी भंडार है, सिलेबस आपका इसका कभी खत्म नहीं होता, मगर आपको क्या करना है, पहले टेस्ट सीरीज उठानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं, उसके बाद आपको किताब पे जाना है, यानी कि इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। पहले एग्जाम की डिमांड जानी है और उसके बाद एग्जाम पे अटैक कीजिए कि किस प्रकार से एग्जाम होना है। तो देखिए आप कनिष्क जी की बुकलिस्ट इनकी क्या है ये आपको बता देते हैं हम। देखिए जीएस फर्स्ट, देखिए मित्रों सबसे पहले बुकलिस्ट से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पेपर किस प्रकार से होता है। इसके लिए एक अलग सी वीडियो है, आप देख सकते हैं आप कैसे बनेंगे आईएएस करके, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप उस पर जाके देखिए, आपको ये पूरी वीडियो मिल जाएगी। और पूरी सीरीज आपके लिए हमने छोड़ी हुई है, जी प्रसन्ना सर की पीपीटी है उसके उसके ऊपर है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, GS1, GS2, GS3, GS4 चार जो होते हैं मेन्स के पेपर होते हैं, ऑप्शनल के पेपर होते हैं। इससे पहले जो होता है आपका प्री होता है, प्री में भी दो पेपर होते हैं, सी सेट होता है और GS1 पेपर होता है। तो मित्रों इसको लेके एक पूरी अलग से वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख लीजिए। थोड़ा सा मैंने आपको ब्रॉडर आइडिया देने के लिए दे दिया था। जो लोग नए जुड़े हैं वो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पीछे जाके वो पूरी वीडियोस देख लें, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है यूपीएससी का वो जड़ से क्लियर हो जाए। तो देखिए GS1 के लिए क्या क्या आता है, GS1 में आ गया हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के अंदर क्या क्या आ गया, आर्ट एंड कल्चर आ गया, मॉडर्न इंडिया आ गया, वर्ल्ड हिस्ट्री आ गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आ गया और सोसाइटी आ गया। तो देखिए मित्रों आर्ट एंड कल्चर के लिए इन्होंने क्या फॉलो किया था, इन्होंने फॉलो किया था ओनली क्लास नोट्स एंड टेस्ट सीरीज लर्निंग, ठीक है। तो इन्होंने क्लास नोट्स फॉलो करे थे। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप नितिन सिंघानिया जी की बहुत अच्छी बुक आती है मार्केट में, आप उसको ले ले सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए एक पेन और कॉपी नोट ले लें और ये सारी बुक लिस्ट आप सीढ़ी दर सीढ़ी नोट करते रहें, क्योंकि ये आपके लिए यूपीएससी की सीढ़ी है। अगर आपको ये पता नहीं है कि इन सीढ़ियों को चढ़ना किस माध्यम से है, तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि किस तरीके से आप यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तो मित्रों मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम और क्लास नोट्स इन्होंने पढ़े थे, तो क्लास नोट्स तो आपके होंगे नहीं, तो क्लास नोट्स के लिए आप क्या फॉलो करेंगे, आप आईएएस को फॉलो करेंगे। हम आपको लगातार क्लासेस देने वाले हैं, ज्योग्राफी की हमने सीरीज शुरू कर दी है और भी हम जल्द शुरू करने वाले हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्लास नोट्स तो अभी आपके हम बनवाएंगे, तो एनसीईआरटी 9th और 10th की आपको पढ़नी है, और इसके लिए सप्लीमेंट्री मटेरियल आप ले सकते हैं। सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको कौन देगा, आपको आप आईएएस देगा, उनको जिसने भी दिया था, मगर आपको आप आईएएस देगा। तो आप इस चैनल को क्या करने वाले हैं, लाइक करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं और इस पर मैं आपको कैसा लगा ये कमेंट करने वाले हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए क्लास नोट्स और 12th की एनसीईआरटी बोली है इन्होंने, तो क्लास नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, आप आईएएस से मिलेंगे। जल्दी हम आपकी इसके ऊपर लाइव क्लासेस लगाने वाले हैं। सोसाइटी की हम बात कर लेते हैं, सोसाइटी में सोशियोलॉजी क्लास 12th की एनसीईआरटी और विजन की इन्होंने मेन्स की 365 जो है रेफर की थी। तो मित्रों आप इसके साथ अन्य सोर्सेज भी रेफर कर सकते हैं, सोशियोलॉजी की बुक के जो है मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगी। आप आईएएस की जो वीडियो सीरीज आने वाली है सोसाइटी के ऊपर वो देख सकते हैं।
ज्योग्राफी के ऊपर मित्रों हमने बेसिक्स की एक सीरीज़ लॉन्च कर दी है, उस पर एक पहला वीडियो आ चुका है और जल्द पूरी सीरीज़ लॉन्च हो गई, प्रतिदिन एक वीडियो आने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर अलग, रिसोर्स के ऊपर अलग, PMFIS ये जो भी आपको ये मटेरियल रिकमेंड कर रहे हैं वो आप रेफ़र कर सकते हैं। देखिए NCERT आप बहुत अच्छे सोर्स है, क्लास नोट्स जो है आपको PMF मतलब ये IAS की टीम आपके लिए वो कर देगी, आपके लिए फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मुंडाल की इन्होंने स्लाइड्स रेफ़र की है, मगर इसके साथ साथ मैं आपको जो रेफ़र करूँगा वो आपको NCERT रेफ़र करूँगा, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करके है वो आप रेफ़र कर लीजिएगा। रिसोर्स के लिए जो है आपको इन्होंने मुंडाल की स्लाइड्स रेफ़र की है और अनुदीप सर के नोट्स। देखिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अनुदीप दृष्टे और कई टॉपरों के चैनल वो डाल चुका हूँ, आप जो है टेलीग्राम पे आप आइए सर्च मार के आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए PMFIS इंडिया WRIS एंड अदर इंटरनेट सोर्सेज, इंटरनेट का इन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, तो आप क्या कर सकते हैं आप IAS के टेलीग्राम चैनल पे जाके वो सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिनको इकट्ठा करने में इन्होंने सालों लगाए, मगर आपको कहाँ बस एक क्लिक पे मिल रहा है। आपको टेलीग्राम पे जाना है, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करना है, आपको सब फेसबुक पे हमारे चैनल लाइक करना है, कुल मिला के आपको सब कुछ कहाँ मिल रहा है, आप IAS के एकमात्र इस प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अब आइए मित्र GS2 की बात कर लेते हैं। GS2 में आता है पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और IR। पॉलिटी के लिए क्लास 11th की NCERT और M लक्ष्मीकांत और विजन PT 365 इन्होंने रेफ़र किया था, और तो इसके साथ मेरे हिसाब से भी M लक्ष्मीकांत आपके लिए पर्याप्त रहेगी मित्रों, और क्लास 11th की NCERT आपके लिए पर्याप्त रहेगी। तो वाजीराम के क्लास मटेरियल इन्होंने रेफ़र किया था, अगर आपके पास गवर्नेंस की नहीं है तो इसके लिए भी M लक्ष्मीकांत की एक M लक्ष्मीकांत और गवर्नेंस आती है वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। सोशल जस्टिस के लिए विजन मीन्स 365 इन्होंने रेफर किया था, इसके लिए राम आहूजा की सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, राम आहूजा की एक बुक आती है आप उसको रेफ़र कर सकते हैं मित्रों, बहुत अच्छी किताब है, मैं आपको इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि ये खाली आपकी कनिष्क की स्ट्रेटेजी है, मगर आपको इसके अलावा मैंने बहुत सी स्ट्रेटेजीज देखी है। मैं जब UPSC की तैयारी कर रहा था तो मैं भी इन सब चीज़ों से गुजरा था कि क्या बुक पढ़नी है, तो मैं इन सभी किताबों को पढ़ चुका हूँ मित्रों, तो आपको इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप IAS के पास एक अनुभवी टीम है जो आपको इतना सारा गाइडेंस दे रही है, तो आप इन सभी चीज़ों को सीरियसली लें। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको न्यूज़पेपर लगातार पढ़ना है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप IAS की जो टीम है वो आपके लिए डेली न्यूज़ का एनालिसिस कर रही है, तो आपको IR के लिए क्या पढ़ना है, IR के लिए सबसे पहले NCERT की बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, NCERT में क्या डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स करके एक बुक है वो पढ़ सकते हैं, पैक्स इंडिका करके जो शशि थरूर जी की है पैक्स इंडिका वो आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही प्यारी बुक है, बिल्कुल नोवेल की तरह है, 500-600 पेजेस की बुक है, मगर आप एक रीडिंग उसको दे देंगे तो बहुत अच्छी किताब है, उससे आपको जो है पैक्स इंडिका से आपको क्या मिल जाएगा, इंडिया की जो वो है इंटरनेशनल रिलेशन उस पर बहुत अच्छी ब्रीफ मिल जाएगा, एक वो मिल जाएगा। और देखिए सेलेक्टेड इन्होंने रीजन्स कहाँ से वो करे थे मेंस 365 से, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, आप IAS का आपको दैनिक हिंदी संपादकीय और डेली करंट अफेयर का क्विज आपको इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको देखना है, और इसके अलावा आप क्या लेंगे इसके साथ साथ, इसके अलावा आप अगर चाहें तो पैक्स इंडिका आप ले सकते हैं और NCERT आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं मित्रों। इसके अलावा GS3 देखिए इसमें आता है इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, साइंस टेक, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स के लिए देखिए हम क्या करने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के NCERT और क्लास नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। श्रीराम की जो है बुकलेट आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी नोट्स है श्रीराम के, मैंने भी इनको रेफ़र किया था। इंटरनेट के अदर सोर्सेज जैसे अर्थपीडिया, विकास पीडिया, ये आप रेफ़र कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए देखिए ओनली क्लास नोट्स इन्होंने रेफ़र करे थे और इंटरनेट का रेफरेंसेस, मगर आप क्या करेंगे आप IAS को रेफ़र करेंगे और इसके अलावा क्या रेफ़र करेंगे, इंटरनेट के रिसोर्सेज आप रेफ़र करेंगे। एनवायरमेंट के लिए आप देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी की क्लास 12th की लास्ट के चार चैप्टर जो है वो आप पढ़ेंगे, मेंस 365 आप देख सकते हैं, और स्पेसिफिक टॉपिक फ्रॉम शंकर IAS, स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा शंकर IAS आप एक बार पूरी ही पढ़ लीजिए, क्योंकि शंकर IAS जो है बहुत से टॉपरों ने रिकमेंड किए, इन्होंने तो क्लास ली हुई थी, मगर आप शंकर IAS पूरी पढ़ लीजिए, इससे आपको पूरा कोर्स क्लियर हो जाएगा मित्रों। तो साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, क्लास नोट्स आपको इन्होंने रेफर करने के लिए कहा है, और मेंस 365 साइंस टेक के लिए आप मित्रों क्या देख सकते हैं, साइंस टेक के लिए आप देख सकते हैं मित्रों जो क्लास
9 से लेकर 12th की तक की NCERTs है साइंस के लिए, बेसिक साइंस के लिए, और टेक्नोलॉजी के लिए आप जो है करंट अफेयर्स से अपडेट रहिए, यानी कि आप IAS से अपडेट रहिए, क्योंकि इसमें हम आपके लिए लगातार करंट अफेयर डिस्कशन की सीरीज ला रहे हैं। तो सिक्योरिटी के लिए देखिए मित्रों, मेंस 365 आप रेफर कीजिए, और इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार IPS, ये बहुत ही अच्छी किताब है मित्रों, बहुत ही कंसाइज वे में दी गई है, आप इस किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। अब अंतिम आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए आपका विजन IAS का सप्लीमेंट्री मटेरियल इन्होंने यूज किया था और टेस्ट सीरीज से रिवाइज किया था, मगर मित्रों आप इसके साथ डिजास्टर मेकिंग सेफर इंडिया फ्रॉम डिजास्टर करके क्लास 9th और 10th की डिजास्टर मैनेजमेंट की किताब है, वो आप देख सकते हैं मित्रों। तो मित्रों GS4 की हम बात कर लेते हैं, क्लास नोट्स इन्होंने रेफर किए थे, वाजीराम की येल्लो बुक इन्होंने रेफर की थी, प्रीवियस ईयर केस स्टडी इन्होंने सॉल्व की थी, पॉइंट आउट कवरेज ईच कीवर्ड और टेस्ट सीरीज से इन्होंने रिवाइज किया था, और वाजीराम के पूरे नोट्स से रिवाइज किए थे और टेस्ट सीरीज से इन्होंने रिवाइज किया था। मगर मित्रों इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आप बदल सकते हैं, क्या आपको इसमें रेफर करना है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें लेक्सिकन रेफर करनी है, LEXICON मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आप लेक्सिकन सर्च मार सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं, अमेजोन पे आपको इजीली अवेलेबल है, लेक्सिकन आप रेफर कर लीजिए और मेरे हिसाब से पर्याप्त रहेगी, उसी में केस स्टडीज भी डिस्कस की गई हैं, और नहीं तो केस स्टडीज़ के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि केस स्टडीज को कैसे टैकल किया जाए, अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मित्रों इस तरीके से हमने जो है आपकी पूरी GS 1, 2, 3, 4 कवर कर लिया, जान लेते हैं कि एनसीईआरटी किस प्रकार से पढ़ें। कवर डिपेंडिंग अपॉन द अवेबिलिटी ऑफ टाइम, देखिए आपको टाइम कितना है और सब्जेक्ट में आपको कैसी पकड़ है, लोअर सब्जेक्ट आप स्किप कर सकते हैं और सीनियर सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जिनसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं आप डायरेक्टली उनको शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर फ्यू एनसीईआरटी जो आपके लिए स्पेसिफिकली रिकमेंड की गई है, क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी, क्लास 11th की पॉलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की, क्लास 12th की सोशियोलॉजी, और अदर एनसीईआरटी जो है वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं मित्रों। यानी कि आपको क्या क्या करना है ये तो आपको करना ही है, ये आपको हम कहीं करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ आप IAS को देखिए, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप उसको मत देखिए, मगर आप IAS के साथ अगर NCERT पढ़ लेंगे तो आपका UPSC एग्जाम बहुत कुछ क्वालिफाई हो जाएगा मित्रों, क्योंकि हम आपको सब कुछ होलिस्टिकली यहाँ दे रहे हैं, और शॉर्ट समरी आप बना लीजिएगा ताकि चैप्टर को आप दोबारा दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। तो मित्रों लगभग हमारी स्ट्रेटेजी आज समाप्त होती है, तो आप IAS को जो है टेलीग्राम पे सर्च मारिए, फेसबुक पे सर्च मारिए, यूट्यूब पे सर्च मारिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए हम अच्छे अच्छे कोर्सेज ला रहे हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज, करंट अफेयर के MCQ हम ला चुके हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड हम ला चुके हैं। तो मित्रों जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए कोर्सेज ला सकें। धन्यवाद।